दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ताजमहल से जुड़ी कुछ रोमांचक जानकारी देने वाले हैं। हर कोई चाहता है कि वह एक बार ताजमहल जरूर देखे। इस महल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनाया था। इसे देखने के लिए प्रतिवर्ष दुनिया भर से लाखों की संख्या में पर्यटक भारत आते हैं। सूरज की रोशनी हो या फिर चांद की चांदनी, ताजमहल हर रोशनी में अलग रंग के साथ खूबसूरत दिखता है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था और मुमताज की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को कहा जाता है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया। इसके साथ ही ताजमहल को सबसे ज्यादा प्रशंसा पाने वाली अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया है। ताजमहल का कार्य निर्माण 1632 में शुरू किया गया और 1653 में पूर्ण हुआ था। इस इमारत को बनाने में 22 वर्ष का समय लगा था। ताजमहल के निर्माण में उस वक्त 3.5 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। ताजमहल को दूसरे विश्व युद्ध 1971 के भारत पाक युद्ध और मुंबई के 9/11 हमलों के दौरान चारों ओर से बांस का घेरा बनाकर हरे रंग के कपड़े से ढक दिया गया था ताकि दुश्मनों की नजर ताजमहल पर ना पड़े। ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का एक कलश लगवाया था। इसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच थी। कलश करीब 40,000 तोले सोने से बनाया गया था। ताजमहल को 1857 में एक हमले के दौरान थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इसे 1908 में दोबारा ठीक करवा दिया था, क्योंकि तब तक इसे विश्व भर में ख्याति मिल चुकी थी। ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ है और यह ऐसी लकड़ियां हैं जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत पड़ती है, और यह नमी ताजमहल के बाएं तरफ यमुना नदी से नहीं मिलती तो अब तक ताजमहल गिर गया होता। ताजमहल की चारों मीनारों को इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर कोई भूकंप या बिजली गिरे तो यह मीनारे बीच वाले गुंबद पर बिल्कुल नहीं गिर सकती है, इसलिए ताजमहल की चारों मीनारे थोड़ी झुकी हुई नजर आती है। ताजमहल 42 एकड़ की जमीन पर बनकर तैयार किया गया है। इसको बनाने के लिए करीब 20,000 से अधिक मजदूर लगाए गए थे। इसके गुंबद को बनाने में 15 वर्ष का समय लगा था। ताजमहल भारतीय के ही नहीं बल्कि फारसी, तुर्क और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। इसके निर्माण के लिए 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि कई देशों के अलावा राजस्थान से मंगवाए गए थे। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। ताजमहल के बाहर पानी की झील से सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं। इनके नीचे एक टैंक लगा है। टैंक भरने के बाद दबाव बनने पर ये फव्वारे एक साथ पानी छोड़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार से यह महल 3 मीटर अधिक ऊंचा है। दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इमारत है यह ताजमहल। यहाँ पर प्रतिदिन करीब 12,000 से अधिक पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। ताजमहल से प्रेरित होकर बनी विश्व की अन्य इमारतों में ताजमहल बांग्लादेश, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा, अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी स्थित ट्रंप ताजमहल और मिलवाओ की विस्कजिन स्थित ट्रिपोली श्राइन टेम्पल है। कहा जाता है कि जब ताजमहल को पूरा बना दिया गया था तब शाहजहां ने सभी कारीगरों एवं मजदूर शिल्पकार सभी के हाथ कटवा दिए थे, जिससे वे ताजमहल जैसा महल दुनिया भर में फिर कभी ना बना पाए। तो दोस्तों, हमारे देश में स्थित ताजमहल के बारे में आपने यह दिलचस्प बातें शायद ही सुनी होगी। इस रोमांचक जानकारी को जानने के बाद आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।